नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव। इस वक्त खबर आ रही है जनपद सहारनपुर के गंगोह से। यहां केसरिया गोसेवा पीठ अखंड भारत के तत्वाधान में कोतवाली प्रभारी गंगोह को संस्था के मोनू मानेसर राजस्थान को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के भरतपुर में जिंदा जले दो मुस्लिम भाइयों के मामले में गोसेवक मोनू मानेसर को धर्म के आधार षड्यंत्र के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए केसरिया गोसेवा पीठ के संस्थापक पंडित अमित कमहरा ने कहा कि मोनू मानेसर को शासन प्रशासन की ओर से अगर न्याय नहीं मिला तो केसरिया गोसेवा पीठ अखंड भारत शांतिपूर्वक तरीके से जिले भर में सड़कों पर उतर आंदोलन करने को विवश होगी। इस दौरान नागा बाबा मनीष पुरी, बाबा तीरथ गिरी, राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष मोर्चा के मुकेश मुखिया, गोविंद कपिल, लोक गायक संजय अभिषेक आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी। आज ही केसरिया गो सेवा पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी मुकेश मुखिया जी व तीर्थ गिरी महाराज जी के नेतृत्व में केसरिया गो सेवा पीठ में कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोनू जो एक राजस्थान में घटना घटी है जी भरतपुर जिले में, वहां पर दो मुसलमान भाइयों को जिंदा जलाया गया है। उसमें हमारे गो सेवक बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू कार्यकर्ता मोनू जी को झूठा आरोप में फंसाने का कार्य किया जा रहा है। उसके ही खिलाफ केसरिया गो सेवा पीठ के समस्त कार्यकर्ता संत समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलकर थाना अध्यक्ष जी को ज्ञापन सौंपा है। हम प्रशासन से विनती करते हैं कि आप इस कार्य को बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करें और मोनू भाई को न्याय दें, अन्यथा केसरिया गो सेवा पीठ पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करेगा। जय गोपाल, जय हिंदू राज, वंदे मातरम।